जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी आर जे अकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, अनुपात और समानुपात। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान से देखेंगे आप और समझेंगे। हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से यानी बेसिक से और हाई लेवल से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बस देखते रहिए वीडियो को, ठीक है, ध्यान से। चलिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग अनुपात। अनुपात होता क्या है, ठीक है, अनुपात यानी रेशियो क्या होता है, ठीक है। दोस्तों जब दो राशियों की तुलना की जाए, ठीक है, तो उसे ही हम अनुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए बट्टा बी बराबर 2/3 ना, ये दिया हुआ है। तब मैं पूछूं कि ये दो एक बराबर एक का मान कितना है, आप बोलोगे 2 है। अब बी का मान कितना है, तो आप बोलोगे 3 है ना। लेकिन ये नहीं, इसका मतलब ए का मान कितना है, 2x यानी 2 का मल्टीपल होगा कुछ, उसका गुणनफल है ना। अब बी 3 का गुणनफल है, ठीक है। इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर 2/3 ना, ऐसे लिख सकते हैं। यानी ए बराबर 2x और बी बराबर 3x, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसकी तुलना इससे करेंगे और इसकी तुलना इससे करेंगे, तो इसी को हम अनुपात बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा है समानुपात। समानुपात क्या होता है, समानुपात यानी जब दो रेशियो का एक रेशियो ये और एक और रेशियो, जब दो रेशियो की तुलना की जाए तो वहाँ पे समानुपात होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है, इसको भी मिटा देता हूँ। जैसे दिया मान लीजिए ए बट्टा बी बराबर, मान लीजिए यहाँ पर दिया 8/16, ठीक है, और एक और दिया है सी बट्टा डी बराबर 16/32। ये दो रेशियो दिए हैं, जब इन दोनों की तुलना करेंगे और जब दोनों बराबर होंगे तो वहाँ पर समानुपात होगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2। जब दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, समानुपात, यानी ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी। क्लियर है, ये किसके बराबर, 1/2 के बराबर है। तो इसी को क्या बोलेंगे, समानुपात। यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे ए इज टू बी समानुपात। ये चार गोला जो है ना, चार बिंदु, ये समानुपात को बताता है, ठीक है। और सी सी अनुपात डी। क्लियर, समझ में आ रही बात। अब एक बात और समझेंगे आप कि यहाँ पे ये जो मध्य में है ना बी सी, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर, यानी कहने का मतलब ये है कि ए डी बराबर बी सी होता है। क्लियर, जब समानुपात होगा तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब देखिए, जरा देखिए, इसी से हम कितने चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, इसको मैं मिटा देता हूँ, रुकिए। जैसे मान लीजिए दिया यहाँ पे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये दिया हुआ था। और ए अनुपात बी बराबर क्या दिया था, 1/2 फिर इस टू 1/2, यही दिया था। हमने अभी याद किया था, हमने क्या बताया था, इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल आपस में बराबर होता है, यानी 2 × 1 = 1 × 2 यानी 2/2। ठीक है, दोनों बराबर है ना। क्लियर, तो कभी कभी ऐसा दे देता है सवाल में कि 3 दिया रहेगा, ये गायब रहेगा, यानी यहाँ पे कुछ नहीं दिया, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है ना, इसको ज्ञात करना है। और दिया है बी अनुपात सी अनुपात समानुपात सी अनुपात डी, और इसको को बोलेगा ज्ञात करिए, तो आपको पता है कि इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है, यानी √D = BC। अब इसका बराबर क्या है, इसको इधर भेजेंगे तो BC/D। क्लियर, इसी तरह से। और मान लीजिए बी नहीं दिया है और ये ए दिया हुआ है और ये नहीं दिया, ठीक है, बी नहीं दिया है, तो बी बराबर ज्ञात करना है,
तो बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी बराबर इन दोनों का गुणनफल, हाँ देखिए इन दोनों का गुणनफल ए डी अब बट्टे सी। क्लियर समझिए, चलिए थोड़ा इसको और डिटेल से मैं लिख देता हूँ। देखिए बी सी बराबर ए डी होगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा ए डी बटा सी को इधर भेज दीजिए। क्लियर, अगर मान लीजिए सी बराबर पूछ रहा है तो जरा देखिए यहीं पे सी बराबर ज्ञात करना है तो बी को भेजिए, तो यानी ए डी बट्टा बी। क्लियर समझ गए, ए बराबर बता दिया आपको, ए बराबर क्या हो जाएगा ए बराबर बी सी, बी सी या डी को भेज दीजिए तो बट्टे में डी। ठीक है, अगर डी बराबर पूछ दिया तो ए को भेज दीजिए यानी बी सी बट्टा ए। क्लियर है, तो इस तरह से हम इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे और हर टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से देखेंगे और हाई लेवल तक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं टाइप वन, टाइप वन क्या है। क्लियर, पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है टाइप वन में, दिया है क्वेश्चन मार्क अनुपात फोर समानुपात 48 यानी 48 अनुपात 16। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है ना। अभी मैंने क्या बताया था, इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है, यानी क्वेश्चन मार्क गुणे 16 बराबर 4 गुणे 48। ठीक है, इसको इधर भेजेंगे या यहीं से आप काट सकते हैं। ठीक है, आप यहीं से काट सकते हैं, आने तो इधर भेज लीजिए, तो 4 गुणे 48 बट्टा 16, 16 तिया 48, 4 तिया 12, ये हो गया आंसर। समझ में आया, क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल क्या है देखते हैं, टाइप वन का ही है। ठीक है ना, अगला सवाल है, दिया है 10 फिर अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 24 अनुपात 36। क्लियर है, क्या हो जाएगा इन दोनों का गुणनफल, यानी क्वेश्चन मार्क गुणे 24। ठीक है, और बराबर 10 गुणे 36। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे ना, नहीं तो आप चाहेंगे यहीं पर काट सकते हैं तो काट लीजिए यहीं पे। ठीक है, मर्जी आपकी, तो 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36, दो से काट लीजिए, दो एक दो, दो पच्चीस 10 यानी क्वेश्चन मार्क बराबर 5 तिहाई 15, ये हो गया आंसर। यानी इसके जगह पर क्या आएगा 15। आप चाहें तो उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे, 10 यहाँ पर क्या लिखेंगे 15, देखिए उत्तर की जाँच कैसे कर लेंगे, क्या होता है, हमने क्या बोला इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है, तो जरा देखिए बराबर है कि नहीं, और बराबर है तो सही है नहीं तो गलत है। इनका करेंगे 360, इनका करिए 15 चौका 60, 15 दूना 30, 30 छत्तीस, देखिए बराबर है कि नहीं, है ना। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, क्या दिया है 16 अनुपात 28 समानुपात क्वेश्चन मार्क फिर 42। क्लियर है, उसके बाद इसका हमको इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या होता है इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है, यानी 28 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 16 गुणे 42। आप चाहे यहीं पर काट सकते हैं, 7 चौका 28 7 6 42, 4 करने 4 4 चौक 16, क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ जाएगा 6 चौक 24, आंसर। क्लियर है, चलिए उत्तर की जांच भी वैसे कर लेंगे जैसे मैंने किया था। ठीक है, आप खुद पे खुद से करिएगा। चलिए दूसरा सवाल देखिए, अगला सवाल दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 है ये। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है,
चलिए यही पर लिख देता हूँ मैं ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, 1/4 अनुपात 1/8 समानुपात 1/3 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क बट्टा देखा आप डरिएगा मत, ठीक है ना, बट्टा से कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता है, वही चीज़ है। इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है, यानी 1/4 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर इन दोनों का गुणनफल 1/8 गुणे 1/3। ठीक है, अब जरा देखिए इसको जब गुणा करेंगे तो 1/ कितना 8 × 3 = 24, अब चाहेंगे तो गुणा भी नहीं करेंगे तो भी वही रहेगा, कट जाएगा यही है ना, आप नहीं काट सकते हैं और को और से काट लेते हैं ना, नहीं तो चलिए इसको आप देखिए इसको करेंगे तो 1/4 आएगा, यहाँ पे बट्टे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, सॉरी ये एक्स नहीं है क्वेश्चन मार्क है, एक्स आप लिख सकते हैं चाहें तो, क्वेश्चन मार्क ये बट्टे में इधर आएगा तो गुणे में, यानी 1/24 गुणे 4, 4 से काट लीजिए 4 × 6 = 24, यानी 1/6 और ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आई बात, क्लियर है? चलिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और दो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए ये होमवर्क के लिए, ठीक है, मैं नोट कर लीजिए ये दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, दोनों को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और जो भी इसका आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। और दोस्तों बिल्कुल 0 लेवल से हम लोग स्टार्ट किए हैं, ठीक है, और हाई लेवल तक पहुँचेंगे, तो जो भी आपके फ्रेंड वगैरह हैं सबको शेयर कर दीजिए ताकि सबको मालूम पड़े कि रेशियो का ट्रिक, समानुपात का ट्रिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।